नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई आज जो है मैं आप सभी के लिए बहुत ही सारी न्यूज निकाल के लेके आया हूँ। पूरी क्रिकेट से आईपीएल से भी बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है और लास्ट में जो है आप सभी को क्रिकेट का एक फैक्ट भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप सभी को जो है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रख लीजिए। अब बात करते हैं भाई सबसे बड़ी खबर की, तो ये आ रही है बीसीसीआई के हवाले से आईपीएल 2020 को लेके। यहाँ पर दोस्तों जो बीसीसीआई है वो अगले साल जो है एक नया नियम आईपीएल में लाना चाहती है जिसका नाम है गेम चेंजर पावर प्लेयर। ये आप जो है नया नाम सुन रहे होंगे, भाई ये क्या है, इसके अंदर क्या होने वाला है? तो भाई आपको बता दूं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि सभी टीम जो है अपने स्टार्टिंग के प्लेइंग 11 को अनाउंस करती है, ठीक है। लेकिन अभी जो ऐसा नहीं होगा, जो एक टीम है वो पूरे 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस करेगी एक मैच के लिए, ठीक है। वो 15 प्लेयर में से जो है कोई भी खिलाड़ी रोटेट और सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, अगर दोस्तों कोई भी खिलाड़ी का विकेट गिर जाता है तब उसके बदले में जो है उन 15 प्लेयर में से कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है। पहले क्या होता कि जो खिलाड़ी सिर्फ प्लेइंग 11 के अंदर है वही खेलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जो खिलाड़ी स्टार्टिंग के 15 में है वो 15 में से कोई भी खेल सकता है विकेट गिरने के बाद। और सेकेंड ये है और सबसे बड़ा ये आप बता दूं कि दोस्तों मान लीजिए आपके 20 ओवर के मैच में कौन सा भी ओवर चालू हो, चाहे पहला ओवर हो, चाहे पांचवा ओवर हो, चाहे फिर 19वां ओवर हो, जो भी ओवर चालू हो, जो भी टीम बैटिंग कर रही है, अगर वो ओवर समाप्त होता है तब उसके बदले जो है वो टीम उस खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करके किसी और खिलाड़ी को भेज सकती है बैटिंग करने के लिए। दोस्तों अपने जो है स्टार्टिंग में होता क्या था कि अगर जो खिलाड़ी खेल रहा है अगर वो आउट होता नहीं था तब तक दूसरा प्लेयर अंदर आता नहीं था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जो खिलाड़ी खेल रहा है अगर मान लीजिए कौन सा भी ओवर खत्म हुआ, ओवर के बाद जो है वो टीम अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर को अंदर भेज सकती है और उसको बाहर रख सकती है। वो खिलाड़ी सब कुछ कर सकता है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फिर वो फील्डिंग ही क्यों ना हो, स्टार्टिंग के 15 मेंबर के स्क्वाड में से। तो आप सभी के हिसाब से क्या ये आपको नया नियम अच्छा लगा नहीं लगा बताओ नीचे कमेंट करके। अब भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट T20 मुकाबले में कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड बने। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है कि भाई जो टीम है बांग्लादेश उसने जो है फर्स्ट टाइम भारत को T20 में हराया। लेकिन उसके बाद जो है और दो रिकॉर्ड बने हैं, वो ये है, ये जो मुकाबला था फर्स्ट T20 वो दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय का 1000वां T20 मुकाबला था। सेकंड भाई ये है, रोहित शर्मा बन चुके हैं वो खिलाड़ी जो कि भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं। यहाँ पे जो है रोहित ने भारत के लिए कुल 99 T20 के मुकाबले खेले हैं, वहीं जो धोनी है धोनी 98 मुकाबले खेले हैं। अब बात करते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की। यहाँ पर दोस्तों ये जो खबर है टॉम बेंटन की मेरे पास जो है दो दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन आपको तो पता है कि बीच में संडे आता है, संडे को हमारा Q&A आता है, यही वजह है कि मैं जो है आपको टॉम बेंटन की न्यूज दे नहीं पाया। लेकिन आप जो है सुनिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले मुंबई की टीम ने टॉम बेंटन की जो ऑफिशियल टीम है वो है सोमरसेट, उसको जो है कॉन्टेक्ट किया कि भाई आप मुझे बताइए कि टॉम बेंटन अपना नाम अगले साल के आईपीएल के ऑक्शन में देंगे नहीं देंगे, क्या वो फुल सीजन खेलेंगे हाफ खेलेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी जो है मुंबई की टीम ने निकाल ली। तो उसके जस्ट बाद जो है चेन्नई की टीम ने भी जो है सोमरसेट की टीम को और इंग्लैंड की टीम को जो है कॉन्टेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ टॉम बेंटन के लिए। तो भाई यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म है, अगले साल जो है टॉम बेंटन के ऊपर अच्छे सारे जो है बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। यहाँ से मुंबई आएगी, वहां से चेन्नई आएगी और बीच में जो है घुमा फिरा के पंजाब RCB जो भी टीम हो वो भी बीच में आएगी। मतलब कि एट द एंड फायदा होने वाला है टॉम बेंटन का, 20 साल के युवा प्लेयर को जो है आईपीएल में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं भाई बांग्लादेश के लेजेंड दिग्गज प्लेयर अब्दुल रज्जाक की। भाई मैं जो है जब छोटा था तब जो है मैं बहुत टाइम से इनको देखता था, अब्दुल रज्जाक को। लेफ्ट हैंड के स्पिनर थे, काफी अच्छे स्पिनर थे। यहाँ पे जो है अब्दुल रज्जाक ने बांग्लादेश के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 600 विकेट झटक लिए और ये जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है।
भाई अब खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है एक इनविटेशन भेजा है साउथ अफ्रीका के बोर्ड को कि आप जो है अपने प्लेयर को हमारे देश में भेजो T20 सीरीज खेलने के लिए। तो अभी देखते हैं कि जो बोर्ड है साउथ अफ्रीका, क्या वो पाकिस्तान की इस बात को मानती है और अपने खिलाड़ियों को भेजती है T20 सीरीज खेलने के लिए नहीं, ये जो है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान के बोर्ड ने एक न्योता भेज दिया भाई। यहाँ पे जो है जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं नवदीप सैनी के मेंटर। जी हाँ भाई, यहाँ पे जो है बुमराह और सैनी जो है दोनों फिलहाल मौजूद है बेंगलोर के NCA स्टेडियम में, जहाँ पे जो है कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो वहाँ पे जो है नवदीप सैनी जो है कुछ टिप्स ले रहे हैं बुमराह से, जो कि सैनी के लिए काफी अच्छी बात है कि बुमराह जो है उनको सिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी की कला। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि जब सौरव गांगुली ने विराट कोहली को बताया कि उनको डे नाइट टेस्ट मैच खेलना है नहीं खेलना है, जिसके लिए विराट कोहली ने मात्र जो है 3 सेकंड लिए राजी होने के लिए, ये 3 सेकंड में जो है विराट कोहली मान गए कि हमको डे नाइट टेस्ट मैच खेलना है। सोचिए कि विराट कोहली को खुद को डे नाइट टेस्ट मैच खेलने की कितनी उत्साह थी। अब बात करते हैं भाई सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के स्क्वाड की, जहां पे सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के स्क्वाड की। आप देख सकते हैं कि जो बंगाल के कैप्टन है वो है युवा खिलाड़ी अभिमन्यु ईश्वरन। आगे चलते हैं बात करते हैं झारखंड के सईद मुश्ताक अली स्क्वाड की, तो वहां पे जो है ईशान किशन के हाथों में सौंपी गई है कमान। अब बात करते हैं भाई दिल्ली के स्क्वाड की, यहाँ पे जो है दिल्ली ने सिर्फ स्टार्टिंग के 4 मुकाबले के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसके अंदर कैप्टन रहेंगे वो रहेंगे ध्रुव सौर्य। लेकिन फिलहाल जो है इस स्क्वाड में नवदीप सैनी का नाम नहीं है, मतलब कि सैनी अभी भी चोटिल है। अब बात करते हैं भाई विराट कोहली की। विराट कोहली जो है उनका बर्थडे आ रहा है 5 नवंबर को, हम सभी को पता है जो कि विराट कोहली जो है 31 ईयर के हो जाएंगे। लेकिन भाई विराट कोहली जो है अपना ये बर्थडे मनाने वाले है भूटान में अपने वाइफ के साथ में। तो भाई ये जो है बड़ी बात है, विराट कोहली जो है इंडिया में नहीं रहेंगे, वो रहेंगे भूटान में अपने बर्थडे के समय पे। अब दोस्तों बड़ी खबर आ रही है ICC और सैम बिलिंग्स को लेके। यहाँ पे जो है सैम बिलिंग्स ने अभ्यास मुकाबले में जो है अपना जो ग्लव्स था उसके अंदर मल्टी कलर इस्तेमाल किया, मतलब कि एक कलर से कई रंगीन ग्लव्स जो है उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपने अभ्यास मुकाबले के अंदर, जिसको देखते हुए जो है ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सैम बिलिंग्स के उस ग्लव्स के ऊपर बैन लगा दिया। उनका मानना ये है खिलाड़ी जो है मल्टी कलर ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो जो है सिंपल सादी प्लेन ग्लव्स ही इस्तेमाल कर सकता है। भाई अब बात करते हैं दियोधर ट्रॉफी की, यहाँ पे जो है एट दी एंड इंडिया बी ने जो है दियोधर ट्रॉफी को अपने नाम पे किया, जीत ली। जहाँ पे इंडिया सी में जो है अग्रवाल और गिल जो है फाइनल के मुकाबले में नहीं चले, उनके टीम से जो है ईशन पोरल ने 5 विकेट लिए। लेकिन जो इंडिया बी थी भाई वहाँ पे जो है केदार जाधव, शाबाश नदीम, शंकर, उसके बाद जो है सबने जो है काफी अच्छा फॉर्म दिखाया, सिराज ने भी। तो एट दी एंड जो है इंडिया बी ने दियोधर ट्रॉफी को अपने नाम पे किया। जो है सीरीज में चेजिंग बिल्कुल भी हुई नहीं है, जो टीम फर्स्ट बैटिंग की है वही टीम हमेशा जीती है और लास्ट में जो है फाइनल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भाई यहाँ पे जो है शुभमान गिल ने दियोधर ट्रॉफी के फाइनल में जो है विराट कोहली का 10 साल जूना रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो जो है शुभमान गिल बन चुके हैं यंगेस्ट प्लेयर जो कि दियोधर ट्रॉफी के फाइनल में कप्तान बने हैं। यहाँ पे जो है गिल मात्र जो है 20 साल के थे फाइनल में कप्तानी करते वक्त, इसके जो है पहले 10 साल पहले विराट कोहली जो है 21 साल के थे जब वो कप्तान थे फाइनल के मुकाबले में। अब बात करते हैं भाई आमला की। आमला जो है मजांसी सुपर लीग 2019 में हम सभी को खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, ये बात तो आपको पता है। लेकिन भाई यहाँ पे जो है अच्छी खबर आ रही है, आमला जो है केप टाउन ब्लिट्स के बैटिंग कंसल्ट बन चुके हैं, मतलब कि जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं आमला जो है बैटिंग कोच की भूमिका निभाने वाले हैं केप टाउन ब्लिट्स की टीम में मजांसी सुपर लीग 2019 में। अब बात करते हैं भाई एट दी एंड फैक्ट की। आज का फैक्ट ये है वसीम अकरम का जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है वो है सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा। सोचिए आप, जो हाईएस्ट स्कोर है सचिन का टेस्ट में वो है 248, ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट स्कोर है वसीम अकरम का टेस्ट में वो है 257। तो ये था आज का फैक्ट, मैंने आपको बता दिया। मैं मिलता हूँ आप सभी को कल के वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।